वैक्स मिंट को अच्छे तरीके से मिला लेंगे ताकि अच्छे से मिल जाए। इसका फ़ायदा ये होता है कि हिप लगाने के बाद वैक्स मिंट होता है हमारा, वो फटता नहीं है और उसमें दरारें वगैरह नहीं आती है। इस जाली को इस तरीके से लगाया जाता है, पहले वैक्स मिंट लगाएंगे हम अच्छे तरीके से ताकि कोई सीपेज लीकेज की कोई प्रॉब्लम ना रहे। जाली के चारों ओर जो भी हमारा ब्लैक सीमेंट होगा या बजरी जो निकली होगी उसको अच्छे से तरीके से हम वाइट सीमेंट से बिल्कुल प्लेन करके लगा देंगे। के ऊपर हम जाली को ऐसे फिट करेंगे और ये जाली कॉकरोच प्रूफ है। ऊपर से अच्छे से वाइट सीमेंट लगा देंगे। इस जाली को आप खोल भी सकते हैं और उसको फिट भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसका जो ऊपर कैप होती है ये वाली, ये बात विशन की जाली है, ये सिंक के नीचे भी लगती है, होल जाली, ये अच्छी तरीके से फिट भी हो जाती है और बाद में लॉक भी हो जाती है। इसमें लॉक के तीन सिस्टम दिए हुए। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो मैं अच्छी से अच्छी बना सकूं। और आपके कोई व्यूज़ होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। सर प्लम्बिंग सर्विस जोगिंदर नगर। एक लॉक ये बना हुआ है, ये देखिए ये लॉक बना हुआ है और ये भी लॉक बना हुआ है और तीसरा लॉक हमारा इधर बना हुआ है। तो फिर बाद में हम इस जाली को ऐसे इसमें फंसा के इसको ऐसे घुमाएंगे और ये यहाँ पर लॉक हो जाएगी। फिर ये हमारी जाली जो है बाहर नहीं निकलेगी, ये देखिए। और इस प्रकार से हमारी जाली फिट होगी, क्योंकि अच्छे से अगर जाली हमारी फिट होगी तो लीकेज सीकेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि टेरिस पे दूसरी मंजिल पे जब हम काम करते हैं तो हमारी जो जाली है वो अच्छे से लगनी चाहिए, जिसकी वजह से सीलन वगैरह नहीं आएगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।